दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th हमारे यहां पराक्रम में लिखित अधिनियम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 अंग्रेजों के शासन से लेकर आज तक हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है इस एक्ट के अंदर विभिन्न समय पर अलग अलग समय पर अलग अलग संशोधन हुए हैं उन संशोधनों जो भी जितने भी संशोधन हुए सब महत्वपूर्ण संशोधन थे इस बार केंद्र सरकार धारा 138 NI एक्ट के अंदर इस तरह का संशोधन कर रही है जिससे आम जनता के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा और जो चेक देने वाला आदमी है या जो व्यक्ति अपराधी है वो अपने दायित्व से बचता रहेगा इस धारा के अंदर अगर संशोधन किया जाता है तो मुलजिम को साफ साफ फायदा मिलेगा और परिवादी या वित्तीय संस्थाएं या बैंक या जो भी व्यक्ति चेक ले रहा है उसको अपने दायित्वों से विमुक्त होना पड़ जाएगा अगर केंद्र सरकार इस धारा के अंदर परिवर्तन करती है और सजा के बिंदु को हटा देती है तो आम जनता बैंक वित्तीय संस्थान इन सबके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ेगा और आम आदमी के ऊपर भार पड़ेगा इस केंद्र सरकार की मंशा इससे इसको हटाने का दंड के दायित्व को हटाने का साफ नज़र आ रहा है कि वो विदेशों से या बाहर से जिन लोगों को पकड़ कर आप ला रही है उन सब ने चेक बांट रखे थे और उनको बचाना साफ दर्शाता है इसलिए आज हम केंद्र सरकार को ज्ञापन दे रहे हैं केंद्र सरकार के विधि मंत्रालय को ज्ञापन दे रहे हैं कि इसमें से इस धारा में से सजा के बिंदु को नहीं हटाया जाए आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष दीपक गुप्ता मोदी सरकार करीबन 37 अधिनियमों में जो उनकी प्रभावी धाराएं हैं उनको डिक्रिमिनलाइजेशन कर रही है जिसमें से एक इम्पोर्टेंट है 138 NI एक्ट 1881 की 138 धारा उसको डिक्रिमिनलाइजेशन कर रही है आज वर्तमान स्थिति में 138 के तहत जो दोषी पाया जाता है उसको 2 साल का कारावास और चेक वर्णित राशि की दुगनी राशि तक जुर्माना अदा करने की दायित्व बनता है लेकिन अगर इसको अपराध से बाहर कर दिया गया तो इस 138 एक्ट का प्रावधान और उद्देश्य सब विफल हो जाएगा इसका सीधा सीधा बेनिफिट जाएगा जो बैंकों से लूट करके रकम लेके भाग चुके हैं या जो विलफुल डिफॉल्टर हैं उनको सीधा सीधा बेनिफिट जाएगा और दूसरा आम आदमी को इसका नुकसान झेलना पड़ेगा जिसका पैसा डूब चुका है जिसका पैसा चेक के कारण सुनिश्चितता तय हो जाती है उसका पैसा डूब जाएगा वित्तीय संस्थाओं का पैसा डूब जाएगा और अर्थव्यवस्था पर भारी विपरीत प्रभाव पड़ेगा इस संदर्भ में हम विधि मंत्रालय के लिए ज्ञापन देने के लिए आज उपस्थित हुए हैं आम आदमी पार्टी विधि प्रकोष्ठ अजमेर